हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सरकारें चुस्ती वहीं दिखाती हैं जहां उनका फायदा होता है। जहां जनता का फायदा होना है, लाभ होना है, वहां कैसे सरकारों की सुस्ती संकट पैदा करती है। देश की राजधानी दिल्ली से घंटी बजाओ की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का करोल बाग, जहां करीब 2 किलोमीटर लंबी एक लाइन नजर आती है। बहुत दूर तक दिखती है लाइन शराब खरीदने वालों की। दिल्ली का न्यू अशोक नगर, 2 किलोमीटर लंबी लाइन यहां भी दिखती है। लेकिन ये लाइन गरीब और जरूरतमंदों की, जिन्हें पेट भरने के लिए सरकारी राशन चाहिए। इन दो लंबी लाइन के बीच के फर्क और इनमें छिपी सच्चाई को सिलसिलेवार तरीके से अब हम सामने लाते हैं। करोल बाग में ये लाइन लॉकडाउन में शराब खरीदने वालों की, जो सोशल डिस्टेंसिंग को जब भूलने लगे, तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फौरन इनके लिए ई टोकन का सिस्टम निकाला, जिसमें वेब लिंक www.qtoken.in पर घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन मिलता है। टोकन में नजदीक की शराब दुकान पर पहुंचने का तय वक्त मिलता है। इस तरह 1 घंटे के स्लॉट में 50 लोगों को एक दुकान से टोकन के जरिए शराब आसानी से अब मिलने लगी है। एक शराब की दुकान के बाहर मौजूद है। इस तरफ जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये टोकन वाली लाइन है। जो दिल्ली सरकार ने ई टोकन की जो व्यवस्था शुरू की है, ये वो लाइन है। ये लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, काफी छोटी लाइन है। दूसरी लाइन भी है जो आम लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनके पास टोकन नहीं है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। अभी दिल्ली सरकार ने जो ई टोकन शुरू किया, वो ज्यादा बेटर है इस लाइन में लगने से। बहुत बढ़िया करा है ये ई टोकन देने के लिए। उससे क्या है कि लाइन की और टाइम की भी बचत है। आधे पौने घंटे में नंबर आ गया, थोड़ी चीज। लेकिन सरकारी खजाना भरने के लिए शराब पीने वालों का जितना ध्यान केजरीवाल सरकार ने रखा, क्या उतना ख्याल उन लोगों का भी रखा जा रहा है जो लॉकडाउन में भूख से बेहाल है, जिनकी कमाई का जरिया भी लगभग खत्म है। ये जानने के लिए हमारी दो संवाददाता अजातिका सिंह और अंजलि सिंह दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों में पड़ताल की। पहले अजातिका सिंह की रिपोर्ट देखिए। कई लोग जो हैं इस महामारी में उनका रोजगार चला गया है, लिहाजा दिल्ली सरकार राशन जो बांट रही है, उस राशन को कलेक्ट करने के लिए ये लाइन आपको दिखाई देगी जो बेहद लंबी है। कितनी मदद उनको मिल पा रही है ऐसे समय में, ये भी जानते हैं। 2-3 दिन से ढूंढ रही हूँ, मिला नहीं अभी तक। 2-3 दिन से नहीं मिल पाया? नहीं, आज तो आने के लिए बोला। कितनी देर से लगे हैं? 3 बजे से। 3 बजे सुबह से। रात के 3 बजे से लगे हैं आप? रात के आप भी 3 बजे से आई हुई हैं और पहले से आई हैं? 3 बजे से आए, 3:30 बजे आया। 3:30 बजे से आई हैं और ऐसी बैठी हुई हैं सड़क। ना कुछ खाया ना कुछ पिया? कुछ नहीं करा, ऐसे ही है बैठा। आप आई थी क्या पिछले महीने? तो पिछले महीने नहीं मिल पाया? आधार कार्ड से नहीं मिल रहा था, तो हम लोग कूपन भरे, तो कूपन अभी आया है, तो आज आया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि लॉकडाउन में दिल्ली के 2,50,00,000 लोगों में से 1 करोड़ जरूरतमंदों का उनकी सरकार मुफ्त राशन देकर पेट भर रही है। करीब 71 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 गुना यानी 10 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जबकि बिना राशन कार्ड वाले करीब 30 लाख लोगों को ई कूपन से राशन बांटा जा रहा है। ऐसी सरकार जो 10 लाख लोगों की दोनों वक्त की रसोई चला रही है, ऐसी सरकार जिसने 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा, जो सरकार दिन रात लोगों के लिए काम कर रही है, वो भाजपाइयों के पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, आलोचना करना, निंदा करना, कमी निकालना। तो वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे। संवाददाता अंजलि सिंह दिल्ली सरकार के इस दावे का सच जानने मंगोलपुरी पहुंचती हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, जिनके पास अभी हाथ में राशन कार्ड है, और क्या किस तरह से व्यवस्था चल रही है यहाँ पर, आप लोगों को क्या राशन मिल पा रहा है यहाँ? हाँ, राशन तो दे रहे हैं मैडम, 5-5 बजे से लग रहे हैं आकर के सवेरे। आप देख रहे हो ना क्या कंडीशन है यहाँ की, बीमार है या कोई है, लगो लाइन में। लोग सुबह पर्ची बांटते हैं, उसके बाद 11 बजे दोबारा बांटते हैं, फिर दोबारा लाइन लगाओ। अगर आपका 34 नंबर है तो 50-100 पे लोगों, बाद में 100 पे लगना पड़ेगा। तो ये दिखाती है जो एक किट दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें 10 किलो राशन के साथ ये किट अलग से लोगों को दी जा रही है, जिसमें कि साबुन, तेल, नमक, इस तरह की और चीजें हैं। 5 दिनों में बेटे आते हैं, ये नीचे से भाग जाओ यहाँ से, चल भाग जाते हैं, सब चीज होती है। वो कहते हैं टोकन खत्म हो गए, भाग जाओ। दिल्ली में गरीबों को राशन तो बराबर मिल रहा है, लेकिन राशन वितरण का सिस्टम लचर है, जबकि शराब बिक्री की अव्यवस्था सिर्फ 4 दिन में ही सरकार दुरुस्त कर लेती है, क्योंकि सरकार के लिए कमाई जनता की जरूरत से ज्यादा जरूरी है। यहाँ खाद्य मंत्रालय के आंकड़े दिल्ली सरकार की पोल खोलते हैं, जिसके मुताबिक गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने में दिल्ली पीछे है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल, मई और जून में सस्ते अनाज के साथ मुफ्त अनाज गरीबों को मिलना है।
लेकिन दिल्ली सरकार अप्रैल महीने में अपने हिस्से का 1% से भी कम अनाज गरीबों को दे पाई। दिल्ली को अप्रैल से जून के लिए 1,09,100 मीट्रिक टन गेहूं और चावल केंद्र ने आवंटित किया। इसमें से 36,000 टन अनाज दिल्ली सरकार के पास पहुंचा, लेकिन 6 मई तक सिर्फ 63 टन अनाज 12,600 गरीबों को दिल्ली सरकार दे पाई है।